समस्तीपुर पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। फर्जी आईपीएस कई लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम कर चुका है। साथ ही आरोपी अविनाश कुमार मिश्रा ने खुद को 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी बताकर एक लड़की को शादी करने का लालच दिया और उसे पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका यौन शोषण भी किया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जब फर्जी आईपीएस ने लड़की के साथ शादी नहीं की तब उसने पुलिस से गुहार लगाई। उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अंततः अविनाश कुमार मिश्रा और अमन परासर को गिरफ्तार किया। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि वो फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर पीड़ित लड़की को धोखा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक पहले भी उस पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि आखिर उसके फर्जी आईपीएस बनने के पीछे कहीं कोई दूसरा राज तो नहीं है। मामला यह है कि कल हमारे थाना में, टाउन थाना में एक लड़की ने एक आवेदन दिया था। एक शख्स है जो अपना नाम अविनाश मिश्रा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी पराशर बताते हैं, अमन पराशर बताते हैं, और खुद को 2014 बैच का आईपीएस अफसर बताते हैं। और ये बता करके और शादी का प्रलोभन दे करके उनके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन बाद में उस लड़की को ये पता चला कि ये आईपीएस अफसर नहीं है, ये फर्जी आ गया। जिसके बाद उन्होंने हमारे थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हम लोगों ने FIR दर्ज किया। और FIR दर्ज करने के बाद उनके ऊपर छापेमारी करी गई। जो अविनाश मिश्रा हैं, अमन पराशर, फिर कुछ उनके ऊपर छापेमारी करी गई। उनके पास से आईपीएस की वर्दी, पिस्टल, मोबाइल और भी चीज़ें बरामद हुई, जिसको बाद आपको डिप्टी सूची बना करके पिस्टल, क्या सरकारी पिस्टल है सर? अब तो इस संबंध में हम लोग जाँच करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से आया है, इनके पास पिस्टल लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी है, कारगर है कि नहीं है, ये तो जाँच करेंगे। इसके अलावा भी वो और भी कोई नहीं है, पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये पहले भी दरभंगा में एक थाना है APM, वहाँ से फर्जी IPS बन करके ये जेल जा चुके हैं, और भी इनका आपराधिक इतिहास हम लोग देखें। के नाम पर या किसी को झांसा देके पैसे के लिए उगाही करने की बात आ रही है सामने, वो जांच का विषय है, उसकी जांच कर रहे हैं हम लोग, जांच में आएगा। और भी अगर किसी के साथ इन्होंने ठगी करी होगी IPS बन करके, तो सारी चीज़ें इसी केस में आए। कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम में उन्होंने प्रोग्राम भी किया है, भाषण वगैरह दिया, कुछ वीडियो वगैरह वायरल, हाँ, वो सब जाँच का विषय है, वो जाँच कर रहे हैं।